हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू कोड मेटा चैनल। इस सीरीज में हम बात करने वाले हैं मटेरियल यूआई की, जो कि आपके फ्रंट एंड के डिज़ाइन के लिए यूज़ होता है। यहाँ पे मटेरियल यूआई में हम क्या कर सकते हैं कि खुद की हम थीम का कॉन्फ़िगरेशन कर सकते हैं, और उसको हम जो प्री डिफाइंड क्लासेस होते हैं उसका यूज़ करके अपने डिज़ाइन को सेट कर सकते हैं बिना किसी सीएसएस के लिखे हुए, बिना कस्टम सीएसएस के लिखे हुए। उसके लिए क्या करते हैं, चलते हैं हम पहले, सबसे पहले मटेरियल यूआई के साइट के ऊपर। यहाँ पे हम देख लेते हैं इंस्टॉलेशन के लिए हमें क्या करना होगा। इंस्टॉलेशन के लिए दो प्रोसेस है मटेरियल यूआई में, एक है हमारा इमोशन का और दूसरा है हमारा स्टाइल कंपोनेंट का। आप इसमें से क्या यूज़ कीजिएगा मटेरियल यूआई के लिए, आप इमोशन वाली चीज़ यूज़ कीजिएगा, स्टाइल कंपोनेंट का यूज़ मत कीजिएगा। क्योंकि क्या होता है, जो एसएसआर रिलेटेड प्रोजेक्ट होते हैं उसके ऊपर जो स्टाइल कंपोनेंट है वो काम नहीं करता, और यहाँ पे इन्होंने ये चीज़ मेंशन भी कर रखी है। तो वो ये कहते हैं कि अगर आपको एसएसआर रिलेटेड प्रोजेक्ट है तो उसके लिए आप इमोशन का यूज़ कीजिए। दोनों में कोई फ़र्क नहीं है, दोनों में अगर हम लोड टाइम की भी बात करते हैं तो कुछ एक दो पॉइंट्स का फ़र्क आता है, अदरवाइज जो चीज़ होती है वो सेम की सेम चलती है। दोनों की जो लोडिंग कैपेसिटी होती है वो दोनों सेम होती है, तो इसीलिए क्या रिकमेंड करते हैं हम, इमोशन वाली जो कंपोनेंट है, जो हमारी मटेरियल यूआई है इमोशन की, उसको यूज़ करेंगे। इसके लिए क्या करना है हमें, जो हमारा npm इंस्टॉल है इसको कॉपी कर लेंगे। देन क्या करेंगे हम, हमारे इंडेक्स फाइल में चलते हैं, हमारे EDM में चलते हैं। यहाँ पे क्या करते हैं, इसको पेस्ट कर देंगे और एंटर करेंगे। तो सबसे पहले हमारे पास क्या होगा, मटेरियल यूआई जो है इमोशन वो इंस्टॉल हो जाएगी। ठीक, नाउ इसके बाद चलते हैं वापस साइट के ऊपर, देखते हैं कि अब क्या कहते हैं। इसके बाद हमको क्या करना है कि अगर हमको जो हमारी साइट है उस पर फॉन्ट कौन सा यूज़ करना है वो यूज़ करेंगे हम। तो क्या करोगे आप, तो यहाँ तो जो डिफ़ॉल्ट जो फॉन्ट होता है मटेरियल यूआई में, अगर आप इसकी थीमिंग का कॉन्फ़िगरेशन देखोगे जिसकी बात हमें आगे करेंगे, अगर आप उसमें देखोगे तो रोबोटो फॉन्ट होता है जो बाय डिफ़ॉल्ट आता है। तो उसको किस तरीके से इंस्टॉल करेंगे, npm इंस्टॉल और @fontsource/roboto। तो ये बेसिक थिंग है, ठीक है। तो हम सबसे पहले बेसिक चीज़ों को इंस्टॉल कर लेंगे, इसको क्लिक करेंगे और हमारे जो कमांड लाइन है वहाँ पे पेस्ट करके रन कर देंगे, तो हमारा जो रोबोटो फॉन्ट है वो भी चला जाएगा। नाउ अब क्या करते हैं कि हम इस सीएसएस को कॉपी करते हैं, ये जितने भी हमको दे रखे हैं इम्पोर्ट्स, और फाइल के अंदर आके हमारी जो इंडेक्स फाइल है इसमें आते हैं, और जो सबसे पहले हमारी क्या चलती है, js चलती है, app.js चलती है सबसे पहले, तो हम उसके अंदर इसको पेस्ट कर देते हैं। ठीक, तो इससे क्या होगा, हमारी जितने भी रोबोटो के फॉन्ट होंगे css होगी वो अप्लाई हो जाएगी यहाँ पे। ठीक, नाउ क्या करते हैं, वापस इंडेक्स फाइल में आते हैं, क्योंकि हमारा जो मेन पहले स्टार्टिंग का काम है वो सारा ही इंडेक्स फाइल के अंदर होने वाला है। नाउ अब क्या करते हैं, वापस चलते हैं साइट के ऊपर। देन वो ये कहता है कि यहाँ तो आप क्या करो, जो मटेरियल यूआई वो कहती है कि आप क्या करो यहाँ तो कि जो गूगल वेब फॉन्ट्स है उसका यूज़ करके, यानी जो ये URLs दे रखे इसको आप क्या करो html फाइल में लगा दो और इसका यूज़ कर लो, हम इसका यूज़ नहीं करेंगे। देन इसके बाद क्या होता है कि हमको क्या होता है, हमारी साइट के ऊपर आइकन्स की नीड होती है बहुत सारे, कि जिसके अंदर जैसे कि हमारा आइकन हो गया क्वेश्चन मार्क, या फिर हमारे जो मेन्यूज होते हैं उसमें ड्रॉप डाउन और अदर थिंग्स। तो उसके लिए क्या करते हैं, हम मटेरियल आइकन की जो लाइब्रेरी होती है उसको इंस्टॉल कर लेते हैं, npm इंस्टॉल @mui icons-material, इसको यहाँ पे कॉपी करेंगे और अपने जो कमांड प्रॉम्प्ट है वहाँ पे रन कर देंगे। ये जो सारी कमांड्स है ये हमारे पास ऑलरेडी रन है, मेरे प्रोजेक्ट के अंदर चल रही है, इसीलिए मैं वापस वहाँ पे इसको रन करके नहीं दिखा रहा आपको। ठीक, तो आगे चलते हैं। नाउ अब क्या है, ये हमारा था इंस्टॉलेशन का पार्ट, जब ये डन हो जाता है तो उसके बाद करते हैं हम, चलते हैं हमारी जो डिफॉल्ट थीम कॉन्फ़िगरेशन होती है वहाँ चलते हैं। ठीक, डिफॉल्ट थीम में क्या होता है, अगर हम इसको ऑल एक्सपेंड कर दें, एक्सपेंड हुई नहीं अभी, जस्ट अ सेकेंड, एक बार इसको इस तरीके से ओपन कर लेते हैं। आई थिंक क्लिक हो गया है, यहाँ पे लोड का इशू आ रहा है। साइट को रीलोड कर दिया हमने एक बार। क्या देखिए क्या होता है, मटेरियल यूआई के अंदर ये हमारी थीम की कॉन्फ़िगरेशन होती है जो पहले से डिसाइड होती है।
कहाँ आना है आपको, इस कस्टमाइजेशन के अंदर, डिफॉल्ट थीम व्यू के अंदर जब आप आओगे तो आपको यहाँ पे ये सारी जो कॉन्फ़िगरेशन है ये देखने को मिलेगी। ब्रेक पॉइंट्स क्या कहते हैं और उसमें क्या होती है? ब्रेक पॉइंट्स होता है कि आपकी साइट की जब रिस्पॉन्सिव करोगे तो वो आपको कौन कौन से वोट में तोड़ेगी, ब्रेक करेगी। तो क्या होता है, जीरो पे तो हमारा SX होता है, और क्या होती है, जो हमारी मटेरियल UI होती है वो लो से अप पे चलती है, अप से लो पे नहीं चलेगी, ये ध्यान रखिएगा। तो हमको कोई भी अगर सबसे पहले ब्रेक पॉइंट करने हैं, यानी हमारे को क्या करना है, हमारे कंपोनेंट्स को तोड़ना है या डिज़ाइन को तोड़ना है लेफ्ट राइट पार्ट में, या फिर हमें ग्रिड्स बनाने हैं, तो हमें वो पहले सबसे पहले लोएस्ट से चलना होगा। कैसे? SX का यूज़ करेंगे, SM का यूज़ करेंगे, MD का देन यूज़ करेंगे, देन LG और फिर होगा XL। ठीक, तो अगर हम साइट डेस्कटॉप पे सबसे पहले बना रहे हैं तो हम जीरो से स्टार्ट करेंगे, और अगर मोबाइल में सबसे पहले बना रहे हैं तो देन एक्सेल से स्टार्ट कर लेंगे। ठीक, क्या होगा अब? अब इसकी वैल्यूज क्या होती है, देखो कैसे आएगा कि इसकी भी बात करेंगे हम आने वाली वीडियो के अंदर, जहां पे हम सबसे पहले हेडर फुटर को देखेंगे। ठीक, तो इसको वापस चलते हैं यहाँ पे। अब देखो उसके अलावा क्या होता है, हमारे पास प्लेट्स होती हैं, जिसके अंदर प्लेट्स के अंदर क्या होते हैं, हमारी थीम के कलर होते हैं। मोड लाइट आ गया, कॉमन जिसके अंदर ब्लैक वाइट आ जाता है, प्राइमरी के अंदर मेन लाइट डार्क आ जाते हैं, और उनके कलर सेट होते हैं प्री डिफॉल्ट जो होते हैं। जो हमारा सेकेंडरी है उसके हमारे कलर सेट हैं, एरर के कलर कोड सेट होते हैं, वार्निंग के कलर कोड सेट हैं, इन्फो में सेट है, सक्सेस के कलर कोड सेट है, ये सारे कलर्स आ रहे हैं। देन अगर टेक्स्ट की देखते हैं तो ये भी कलर सेट हैं। लेकिन अब चलते हैं हमारे स्पेसिंग के अंदर, तो स्पेसिंग में हमको क्या दे रखा है, इसने शेप MUI ट्रू स्पेसिंग को भी हम बढ़ा सकते हैं। ये हमारे जो अनस्टेबल होते हैं उसके अंदर हमारी बॉर्डर्स होते हैं कि कितनी बॉर्डर है, बॉर्डर का टॉप कैसा है, और उसकी कीज होती हैं। ये जो दिख रहा है आपको ट्रांसफॉर्म FU, ये आपके इसके ऊपर डिपेंड करती है, साइज की के ऊपर। ये सब हम आने वाली वीडियो के अंदर देखेंगे। ये देखो ये जो है ना, ये इसके ऊपर। और देखो यहाँ पे एक चीज थी, SX था, तो वो SX कौन से, जीरो के लिए होगा, यानी फुल डेस्कटॉप के लिए हो गया। SM की बात करेंगे तो ये 600 तक की स्क्रीन के लिए यूज होता है, यानी 600 से ऊपर काम करेगा, 600 से नीचे ये काम नहीं करेगा। MD हो गया, यानी ये 900 की स्क्रीन के ऊपर काम करेगा, मिनिमम विड्थ होती है, ये मैक्सिमम नहीं होती, ये मिनिमम होती है। ठीक, तो यहाँ पे आपकी सारी कॉन्फ़िगरेशन होती है। ठीक, अब क्या कर सकते हैं, इनको हम चेंज भी कर सकते हैं। वो चेंज कैसे करते हैं, वो थीम की कॉन्फ़िगरेशन की बात करेंगे कि किस तरीके से चेंज होती है, और थीम को हम किस तरीके से गेट करते हैं मटेरियल UI को, ताकि हमारी पूरी साइट के ऊपर उसको अप्लाई कर सके। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड गुड बाय, और कोड मेटा चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आने वाली वीडियो के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहे। सी यू इन नेक्स्ट वीडियो।